ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। अरविंद केजरीवाल ने लिस्ट पर जताई सहमति, कई विधायकों को मिलेगा दूसरा मौका, रोहिणी से लड़ सकते हैं मिठाई कारोबारी। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जनवरी के पहले हफ्ते में अपने सभी 70 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। मौजूदा विधायकों में से ज्यादातर को एक बार फिर मौका मिल सकता है। वहीं आपके जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा चुका है, उन सीटों के लिए पार्टी ने उम्मीदवार करीब करीब तय कर लिए हैं। आप विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद चांदनी चौक, बिजवासन, करावल नगर और गांधीनगर सीट खाली हो गई थी और इन सीटों पर पार्टी को नए उम्मीदवारों का चयन करना है। बताया जा रहा है कि चांदनी चौक, बिजवासन और करावल नगर सीटों के लिए पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम पर सहमति जता दी है। वहीं पिछले चुनाव में पार्टी को जिन 3 सीटों पर हार मिली थी, उनमें एक रोहिणी सीट भी है। रोहिणी से आपकी टिकट पर मिठाई के एक जाने माने कारोबारी चुनाव लड़ सकते हैं। बिजवासन विधानसभा क्षेत्र से पार्टी जाने माने वकील BS जून को टिकट दे सकती है। BS जून ने नीतीश कटारा केस समेत कई चर्चित मामलों में विशेष सरकारी वकील की सफल भूमिका निभाई है। इस समय वह आम आदमी पार्टी के वकील के तौर पर काफी मामलों से जुड़े हैं। जून को मुख्यमंत्री का करीबी भी बताया जा रहा है। रजौरी गार्डन क्षेत्र से 3 बार पार्षद रह चुकी धनवती चंदेला को टिकट मिल सकती है। वह हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई है। वहीं कुछ सीटों पर मौजूदा विधायकों का टिकट कट भी सकता है, हालांकि ऐसी सीटों की संख्या कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।